कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। अब हमें बेलार्ज ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। इन सभी के कितनी एचपी के हैं और कितनी हॉर्स पावर के, इन सभी के बारे में सर से पूछते हैं। आज सर इनके बारे में जानकारी दीजिए। सर हमारा ये जो ट्रैक्टर था हमारा 622 ये 60 हॉर्स पावर का इंजन है सर। कितने हॉर्स पावर का सर? 62 सर। 62 हॉर्स पावर का। और सर इसमें लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा हुआ सर। जी सर, आप अगर लैम्बर का इंजन बोल दिया तो आप समझ जाइए सर, ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें जो ये शाही है सर, ये सारा ये 4x4 है ना? ये 4x4 है सर। 4x4 ट्रैक्टर जी। इसमें जी सर, जी सर, दो इसमें सर फ्रंट के हाइड्रोल का आगे दिया गया सर इसमें। जी सर। और सर इंटरनल आप ये पूरा क्लोज दिया है ताकि जी। और सर ये सीटें शीशे हैं सर, जो पीछे कुछ विंडो सर आगे पीछे दो में खुलती है सर, ऊपर का सनरूफ भी खुल जाता है इसका। जी सर, जी सर। पर जो हमारे किसान भाई है, जो बड़े किसान हुए हैं, हाँ जी, वो खेतों में ना काम करने से वो दिक्कत आती है सर, उनके लिए काफ़ी है सर। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल। जाके पूरी बना के देखें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल वीआईपी वाली जो फीलिंग बोल सकते हैं वो इसके अंदर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जी सर, जी सर। और आगे आइए सर, 35 RPM तक है जी, जी। और ये काफी इसमें मीटर मिल जाते हैं और बिल्कुल जेएसवी की तरह आप इसको मान सकते हैं, जेएसवी से भी ज्यादा। कारों में ऑडी कार होती है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल, काफी कम्फर्ट इसमें बैठने में। आप चाहे पूरा दिन तक ट्रैक्टर को चला लेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं धूल गर्दी की होने वाली इसमें। और सनरूफ है इसमें बिल्कुल, ऊपर आप खोल के सनरूफ है, ऊपर बाहर भी निकल सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ सभी प्रकार के लीवर हो गए, ये गियर हो गए, सभी चीज़ें आपको, ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल नज़दीक मिल जाती हैं। जो जो चीज़ें हैं बिल्कुल सभी नज़दीक नज़दीक हैं। तो इसको यहाँ पर ब्रेक हो गए, रेस हो गई और सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से लगाई हुई हैं इसमें। चलिए अब बाहर चल पड़ते हैं, बैठ ले भाई। चलो सर। सर इसमें दो टंकी होती है सर। जी सर, यहाँ पे एक टंकी यहाँ पे होती है, एक टंकी यहाँ पे है। जी सर, दो हो गई। हाँ जी, दोनों की सर साइकिल एक टाइम ही चलता है बिल्कुल सर। अच्छा जी, 4 पॉइंट सर इसमें हैंडल के पीछे है सर, इसमें 4 पॉइंट। और सर इसमें देखिए, ये हम आगे पीछे की लेंथ बढ़ा सकते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। आप देखिए सर, इसमें हमारे भी कहीं भी आपको बेल्डिंग का कोई पार्ट नहीं दिखेगा। बिल्डिंग नहीं है सर, बिल्कुल। ये सर हमारा फॉर्जेट पार्ट है, कोई भी आपको शीट मेटल का पार्ट नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल, इसमें देखिए दो सीधे पार्ट बनते हैं, सीधे पार्ट ही बनते हैं इनके। ये हाइड्रोलिक कितने मोटे जैक हैं, तो काफी वजन उठा लेते हैं। इनकी कितनी कैपेसिटी लगभग सर? इनकी सर 1700 के करीब की। 1700 काफी ज्यादा हो जाती है सर। तो ये किस चीज के हाइड्रोलिक वाले पंप है सर? ये तो ये टैंक, ये फ्यूल टैंक है सर। ये फ्यूल टैंक है। कितने कितने लीटर के हैं अभी सर? इसकी आप देखें तो आप कोई भी पीछे इम्प्लीमेंट लगाओगे, 8 फुट का, 9 फुट का लगाओगे सर, कोई दाम नहीं मानने वाला। वजन भी होगा उसमें पीछे उतना। हाँ जी, और आगे वजन कम हो जाएगा जी सर। ट्रैक्टर का 70% वजन उसके पीछे होता है। पीछे है जी। अब जब सारा फिर पीछे आ गया तो सर ये इसको पीछे प्रेस करने के लिए सर। जी सर, जी, बैलेंस करने के लिए। जी सर, जी सर। तो ये हमारा पीछे से लाइटें देखिए आप, लाइटों में ये आयरन की भी जालीदार के भी टूटे ना सर, ताकि सेफ्टी है इनके ऊपर सर। ये चार्ज वो हो गया उनके लिए, ये चार्जिंग पॉइंट के लिए, बिल्कुल लाइट के, लाइट के लिए आ गया। जी सर, जी। और कोई भी देखो सर, यहाँ पे एक तो यहाँ पे इसको प्रेस यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर तो उठाने के लिए सर, ये या तो अच्छा एडजस्टिंग करने के लिए। और सर आप इसमें देखिए कोई बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। बिल्डिंग का पार्ट नहीं है सर, बिल्कुल। और इसकी कीमत क्या बताई सर आपने? इसकी कीमत सर हमारी 17 से 18 लाख की, अभी कंफर्म नहीं हुई है। जी जी, जी सर। और हमारे 84 इसमें लगा सकते हैं अगर आपको जरूरत है, अगर आप पीछे भारी चीजें ज्यादा जोड़ते हैं तो आगे आप वेट। और इसमें आगे वेट आता है, काफी हैवी चीज है। यहाँ पर ये लाइट होगी और काफी बड़े इसमें आगे टायर आ जाते हैं पीछे। ये किस चीज के लिए सर? ये हाइड्रोलिक सर, अगर आगे सामने कोई आगे अगर वो कोई आगे कोई वेट वो डालने के लिए लगाते हैं वो चीज, आगे कोई मशीन जोड़ी हो। जी सर, जी सर, जी सर। आप देखिए सर इसमें सारा बिल्कुल बंद ट्रैक्टर है पूरा, आप देख सकते हैं काफी मजबूत इसका इंजन है, लुक है सर इसमें। और अंदर चल के देखते हैं कैसी फीलिंग इसके अंदर आती है। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं सभी चीजें सामने मिल जाती हैं। ये कुछ इसमें आपको लाइटों के सभी ये स्विच मिल जाते हैं।
ये इनको एडजस्ट करने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए मिल जाते हैं, ये गियर मिल जाते हैं। रिवर्स न्यूट्रल सभी गियर इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये रेस मिल जाती है, वो ब्रेक मिल जाते हैं, ये आइलो के लिए मिल जाता है, और ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं लैपटॉप के। और यहाँ से आप इनको साइड में खोल सकते हैं मिरर को, और ऊपर से खुल जाता है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल लग्जरी इसको हम मान सकते हैं। पीछे यहाँ पर बैठने के लिए भी गद्दी टाइप में दे रखा है, तो आप और भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल पूरा नज़ारा अच्छे से खुल आता है पूरे सभी चीज़ों का इसमें, और पीछे भी आप आसानी से नीचे भी देख सकते हैं, बिल्कुल पास तक का इसके अंदर दिख जाता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर की ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी वेट दे दिया सर। जी सर, इसमें फ्यूल टैंक भी सर पीछे है, इसमें सेंटर में दिया गया सर। जी सर, यहाँ पर दे दिया। जी जी, और इसमें सर यहाँ पर ये एडजस्टेबल है सर, यहाँ पे। जी सर, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सर आपकी हर रो के लिए देते हैं, हर रो के लिए सर दे दिया। जी सर, जी सर, तो इसमें भी। और जो ट्रैक्टर के जो पीछे ट्रॉली जो जोड़ते हैं उसके लिए कहाँ पर क्या सिस्टम है, या इससे ही जुड़ता है सर? इससे जुड़ता है, वो ऊंचाई हो जाएगी, एडजस्टिंग हो जाएगा सर, ये सारा मैनुअल होता है सर। जी सर, जी सर, ये यहाँ से उठाने के लिए देते हैं। बिल्कुल सर। जी सर, तो ये भी काफी अच्छा ट्रैक्टर है, काफी अच्छा ट्रैक्टर सर, बहुत ही। जी सर, जी सर, इसमें सनरूफ है सर, इसमें भी। जी सर, जी। ये भी सर 4x4 है सर, 4x4 है ये भी। इसमें आपको कैटरपिलर का इंजन और लैम्बोर्गिनी का इंजन दोनों के ऑप्शन है सर। कौन से सर? कैटरपिलर का इंजन और लैम्बोर्गिनी का इंजन सर, दोनों का ऑप्शन है सर। लैम्बोर्गिनी का। जी जी, किसान अपने भाई से लगवा सकते हैं। जी सर, जी सर, हमारी कंपनी में ऐसा भी किसान जो मुँह से बोलेगा वही ट्रैक्टर उसके पास हो जाएगा सर। जी सर, जी सर, जी सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड इन है बेलारस। मेड इन बेलारस यहाँ पर दे रखा है, और सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर है।